गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर सेकेंड ऑफ आवर मैथमेटिक क्लास. ओके, वी हैव डन द फर्स्ट टू पेजेस और फर्स्ट एंड वन एंड हाफ पेजेस ऑफ योर बुक, पेज नंबर 8. ओके, देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स, वी हैव टू नाउ डू दिस. ओके, सो आई एम, दीज आर द 50 काउंटिंग्स ऑफ रोमन नंबर्स. ओके, so what you have to do, we have to just revise them, how to write them. okay, I am going to explain you all these countings. okay, basically you have to learn them by your own, but I am explaining you all these things, how it is, how can you do that, right? How can you give the answer if these questions come in exams or exercise mein jo bhi questions aayenge, how can you answer them? okay, बेसिकली वी ऑल नो वन इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, द बेसिक थिंग है, उसको मैं इनसर्कल कर रही हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वन. वन को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, टू को हम करेंगे, वी आई ऑलरेडी रिटन, हमने अभी आगे वाली क्लास में सीखा ही था, राइट, कि हम रिपीटेशन में करते हैं, राइट. ओके, तो हमारा जो रिपीटेशन आ रहा है वो वन और टू होगा. तो अगर हमें टू लिखना है तो वन प्लस वन, राइट, क्या हो जाएगा, टू आए. फिर सेम एज थ्री, और हमने कहा था कि जब वी हैव स्टडीड देयर, हमने जो किया था वो क्या था कि वी जो होगा उसके अगर पहले कोई डिजिट लगती है तो इट मीन्स फाइव माइनस वन, तो इट विल बी फोर, विल बी रिटन लाइक दैट. ओके, सेम एज इफ एनी वैल्यू विल रिटन इन ऑन द राइट साइड ऑफ द हायर वैल्यू, एनी शॉर्टर वैल्यू, नॉट एनी वैल्यू, एनी शॉर्टर वैल्यू विल बी right and the right side of the large value, so it means plus, it means addition. So what we have to do, 5 plus 1, that is 6. If there are 2, so then 1, so 1 plus 1, that will be, then it will be 7, then 1, that will be 8. Okay, we can't write 9 in the form of this, right, because we have an easier form to learn, because we know the 10 is called as a x. So if we write smaller value at the left side of the larger value, it means minus. Okay, so it means x is represent the 10 minus 1, got it, so it will be 9, or x will represent 10, you have to learn that, right. Okay, basically jo 5 things hain wo to aapko learn khud hi karni padengi. Jaise I will represent the 1, 5 will represent by V, 10 will represent by X, and L is represent by 50. 50 will represent by L, and C is represent by 100. Okay, and others were also there. So same as if we put one value, if we put I or smaller value, smaller value on the right side, if when I put it in on the left side means minus, right, if you put in the right side of the larger value, smaller value, if I put small value at the right side of large value, it means plus. So agar x minus 1 9 and 10 minus 1 9, 10 plus 1 11, got it. So 11 same as 12 have to done, 13. Now, if we also studied this, हमने ये भी अभी पढ़ा है, right? कहाँ पे, मैं दिखा देती हूँ आपको, in this. हमने क्या किया था, इनमें पढ़ा है ना कि x जो है, अगर दो हाई वैल्यू है, यानी x इज अ लार्जर वैल्यू, V is the larger value
एंड आई इज़ अ स्मॉलर वैल्यू बेन देन बोथ ऑफ देम, इन दोनों से छोटी जो वैल्यू है वो ये है। तो हम क्या करेंगे, x को 10 रिप्रेजेंट करते हैं, v को 5 रिप्रेजेंट करते हैं और i को 1 रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी कांट, जैसे कि आप कहोगे अब यू पीपल कैन से ऑल्सो दैट कि x प्लस 1 यानी 11, 11 प्लस 5 नो इट कांट बी 14 राइट। तो हमें अगर 14 जो है वो कैसे लिखना है, x यानी 10, 1 जो छोटा है जो बिटवीन में आ रहा है, अगर दोनों के बिटवीन में आ रहा है तो लास्ट वैल्यू वैल्यू होगी, द लास्ट वैल्यू से वो क्या होगा, डिडक्ट होगा, लास्ट वैल्यू से क्या होगा वो डिडक्ट होगा। गॉट इट। 5 माइनस 1 4 इट विल बी 14 गॉट इट। ये चीज़ें मैंने हमने आगे क्लियर कर ली हैं, फिर भी दिक्कत आए तो आप इस एक बार पढ़ना ये वाली चीज़ें जो क्वेश्चन नंबर 4th पॉइंट है, तो यू कैन ईजी फॉर यू टू डू द सेम राइट। अब नाउ वी हैव गोइंग टू डू दिस रीजन, हमने 15 तक क्लियर कर लिया, नाउ वी हैव टू डू 16, यहाँ से यहाँ तक 16 से करना है 16। तो हाउ टू राइट 16, वी नोटिस ए एक्स ओके 10 प्लस 5 प्लस 1, तो व्हाट यू राइट, एक्स वाई एट द पोजिशन ऑफ वी, तो 5 की पोजिशन पे वी एंड आई 1 की पोजिशन पे आई, तो एक्स वी आई राइट। सेम एज यू हैव टू डू दिस वन, लाइक यू हैव टू एड वन और देन वन, देन वी हैव टू डू द 19th, आई विल एक्सप्लेन यू दिस, वी ऑलरेडी डन द 19th वन इन द प्रीवियस वीडियो बट आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। एक्स मीन्स 10, इफ आई टोल्ड यू द बोथ द लार्जेस्ट वैल्यू में क्या होता है, माइनस होता है, जब दो वैल्यू के बीच में कोई वैल्यू होती है तो लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है, लास्ट की जो वैल्यू होती है उसमें से माइनस किया जाता है, पहले वाली वैल्यू में प्लस नहीं किया जाता। गॉट इट। पहले वाली वैल्यू में आप प्लस नहीं करेंगे, आप इसको 11 नहीं लिखेंगे, आप इसको 9 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू से आपको माइनस करना होता है, पहली वाली वैल्यू से आपको प्लस नहीं करना होता है। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इफ दिस थिंग इज नॉट क्लियर टू यू इट क्रिएट अ कन्फ्यूजन टू यू राइट, इट देन इट ट्रबल्स यू ओके। सो वी मूव ऑन टू द 2020, यू कैन अंडरस्टैंड वी वैन वी से कि दो जब रिपीटेड वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है, एडिशन राइट। नाउ से इट विल बी क्लियर टू यू, इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू बिकॉज स्मॉलर वैल्यू नहीं है, डोंट फॉरगेट कि आप आई में से 9 माइनस नहीं कर सकते बिकॉज इट दे बोथ आर लार्ज वैल्यू देन 1 ओके, बोथ आर 10 एंड 1 इज स्मॉल ओके। सो यू हैव डू डन दिस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस दिस एंड दिस वन ओके, तो x प्लस एक्स राइट। अब यू हैव टू डन 10 प्लस 10 ओके, पर हमने कहा था कि जो लार्जेस्ट दो वैल्यू इस वैल्यू से इस वैल्यू से ये भी बड़ी है और ये भी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू माइनस से करेंगे, लास्ट वैल्यू से माइनस करेंगे, इस वाली वैल्यू में प्लस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे लास्ट वाली वैल्यू से माइनस करेंगे, तो v माइनस v मतलब 5 माइनस 1, 10 प्लस 10 20, 5 माइनस 4 तो आंसर क्या होगा 24 गॉट इट। सेम यू हैव टू डू 5, देन इट्स इजी, माइनस वाला जो होता है ना वो थोड़ा हार्ड लगता है आप लोगों को, बाकी तो आप लोग कर लेते हैं ओके। 16, 17, 18, 19, 19 में क्या करना है, सॉरी हम ये कर चुके हैं, हम थे यहाँ पे राइट, 15 तक आप कर लेंगे सेम एज जैसे आपको वो करना था वैसे ही आप करेंगे ओके। और देन यू हैव टू प्लस इन दिस, देर इज़ नो शॉर्टर वैल्यू, इसमें कोई छोटी वैल्यू बीच में नहीं आ रही, दो हाई वैल्यू के सब नॉर्मल चल रहा है ठीक है ना, एक्स बड़ा है फिर एक्स बड़ा है फिर वी छोटा है इन दोनों से फिर आई इससे छोटा है, अगर आई बीच में आ जाता है तो ये हो जाता है 24 और आई बाद में आ जाता है तो ये हो जाता है 26 गॉट इट। यू हैव टू लर्न ऑल दिस, एक बार आप समझ लेंगे पर फिर भी आपको एक बार इसको लर्न करना पड़ेगा ओके, यू हैव टू लर्न ऑल दोज थिंग्स। नाउ टू मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, बेसिकली वी हैव डन 17, तो सेम एज यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स राइट, ऑल दोज थिंग्स। और 30 ओके, 30 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स 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 10 प्लस 10 प्लस 10, और ये तो जैसे यहाँ तक क्लियर हो गया, बट मैं 29 वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, 1 इज इक्वल टू 1 एंड 5, v इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 10,
सो अब मैंने कहा था जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसमें से माइनस किया जाता है जब दो वैल्यू बड़ी हो और बीच वाली वैल्यू छोटी हो, राइट। तो लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 10, 10 में से बन गया 9, तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 9 29, गॉट इट। नाउ मूव ऑन 31, एक्स 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 वन, राइट। 31 एक्स 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 यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, 31। सेम एज यू हैव टू डू ऑल दीज थ्री, सेम एज वी आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस ऑल्सो, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, इसमें बीच में 1 है, 1 शुड बी राइट डाउन एंड 10, लार्जेस्ट लास्ट वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे 1 को तो आ जाएगा ना, लास्ट वाली वैल्यू सॉरी 5 है, b है, b से हम अगर इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, सो 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 30 प्लस 4 30, गॉट इट। द सेम एज यू हैव टू डू ऑल दीज लाइक दैट, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 39 अगेन, क्योंकि 34 हो गया तो अब मैं आपको 39 समझा देती हूँ, बिकॉज सेम एज यू हैव टू डू, ओके। इसमें पहले आ रहा है, सॉरी 36 भी आपको बता देती हूँ, पहले 36 वाला बताती हूँ, ओके। बिकॉज इसमें क्या था, पहले आई बी से पहले आई आ रहा है तो हम माइनस कर रहे थे, इसमें बी के बाद आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। सेम एज इसमें आई पहले आ रहा है तो हम माइनस कर रहे हैं, इसमें आई बाद में आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। 40 प्लस 1 41 ना, सॉरी दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन शुड बी लाइक दैट, ओके। तो हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे क्योंकि आई पहले आ रहा है, इसमें आई बाद में आ रहा है तो हम, इसमें आई बाद में आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, गॉट इट। सेम एज आई टोल्ड यू कि लार्जर वैल्यू के बाद में आएगा, लार्जर वैल्यू से पहले आएगा तो उसको अब माइनस कर दें। सो अब आपको जो कन्फ्यूजन होगी वो 40 में होगी, हम 40 से स्टार्ट करते हैं, राइट। 40 से थोड़ा सा अब आपको क्लियर करना है, 40 मतलब होता है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, राइट। यू कांट राइट इट एक्स 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 एक्स, ओके। आप ये 5-4 बार नहीं लिख सकते, सो वी हैव अ शॉर्टर फॉर्म, वी रिप्रेजेंट 50 बाय एल, 50 को हम रिप्रेजेंट एल से करते हैं। तो अगर एल से पहले मैं एक्स लिखूँ, यानी अगर मैंने कहा लार्जर वैल्यू से बड़ी, एल बड़ी है एक्स से, क्योंकि एक्स एल का मतलब होता है 50 और एक्स का मतलब होता है 10, तो अगर मैं एल को इससे पहले लिख लूँ यानी माइनस कर रही हूँ, सो व्हाट शुड आई डू, 50 माइनस 10 कितना होता है 40, तो ये ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे हम, राइट। क्लियर टू यू, सेम एज अगर मैं इसी डिजिट को 40 हो गया, हम 40 ऐसे लिखते हैं, 41 ऐसे लिखेंगे, कैसे, एक्स एल आई, पहले जो है एल बड़ा डिजिट है, एल से पहले जो है ये, तो इसको तो हो गया 40, और 40 प्लस 1 41, सेम एज दिस विल बी डन, ओके। क्योंकि एल जो है लार्ज वैल्यू है यानी 50, आई जो है वो है, वो है 1, और एक्स जो है वो है 10, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 50 माइनस 10 करेंगे जो होगा 40, बिकॉज एल जिसे पहले एल के राइट लेफ्ट साइड में लिखा है तो यानी माइनस होगा, एल के राइट लेफ्ट साइड में लिखा है तो प्लस होगा, गॉट इट, प्लस 1 क्या होगा 41। सेम एज यू हैव टू डू 42, सेम एज देन 43, अब 44, ओके। वी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 44, आपने एल ले लिया था, ये कर लिया, अब ये इसको आप 40 बोल दोगे, अब नाउ दिस यू कांट प्लस इट 1, आप इसमें इसमें 41 नहीं करोगे, 44 बता दिया ना मैं, ये 40 है, ओके। तो आप इसमें क्या कहता, जब ये वैल्यू इस वैल्यू की, ये वैल्यू है इसको तो 1 कहते हैं हम, है ना, पर इसको 5 कहते हैं, इसको 50 कहते हैं, पर इस वैल्यू से तो, इस 1 से तो ये दोनों ही बड़ी है, तो जो लास्ट वैल्यू होगी उससे माइनस होगा, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू क्या है, वी वी यानी 5, 5 में से 1 गया 4, तो आंसर शुड बी 40 प्लस 4, देन आंसर शुड बी 44, गॉट इट। सेम एज वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 45, एल एक्स इज कंसिडर्ड एज 40, अगेन वी विल ज्वाइन इट, तो विल बी 45। नाउ मूविंग टूवर्ड्स 46,
x l will be represent as 40 because I told you ki l minus x yani 50 minus 10 40 and v ab iske baad hai aur isse pehle agar yahan aa jata hai 1 to kya ho jata hai ye 4 right aur iske baad aa gaya to kya ho gaya ye 6 तो अगर इसमें ये क्या जो हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं ये तो इसके बाद है तो क्या जोड़ेंगे 40 प्लस 6 कितना होगा 46 सेम एज अगर यहाँ आ गया तो 47 सेम एज 48 अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 49 ओके एक्स एल आई एक्स इट विल बी रिप्रेजेंट 40 अब आई टोल्ड यू दिस वैल्यू इज 50 दिस वैल्यू इज 10 एंड दिस वैल्यू इज 1 ओके सो द लार्जर वैल्यू बोथ आर लार्ज देन 1 दोनों क्या है 1 से बड़ी है ओके जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना बोथ जो हैं जो दोनों वैल्यू हैं ये जो दोनों वैल्यू हैं ये x और x दोनों 10 है इसमें पर जो इसमें जो दोनों वैल्यू है वो 1 से बड़ी है पर जो लास्ट वैल्यू क्या है x तो किससे माइनस होगा x से x यानी 10 से 1 माइनस करोगे तो आएगा 9 गॉट इट 9 आएगा सो 9 प्लस 49 सो दैट इज द आंसर एंड एल को तो हम 50 को तो हम बेसिकली एल से रिप्रेजेंट करते ही हैं सो द बेसिक थिंग विच यू हैव टू लर्न इज कि आई को 1 कहते हैं वी को 5 कहते हैं ये जो चीज़ें हैं ना दीज आर यू हैव टू लर्न अगर ये क्लियर होंगी तभी वो क्लियर होगा और जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं ये वाली ये वाली जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की तो दिमाग लगा के बिल्कुल मन लगा के आप ये सब करेंगे राइट ये वाली एंड ये वाला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है आप लोगों को इसमें आती है राइट तो क्लियर कर लेना ओके एज यू आई थिंक यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑल दीज थिंग्स क्लास सेकेंड थर्ड पर देन ऑल्सो बट देन ऑल्सो इफ यू आई थिंक यू हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स क्लास थर्ड तो प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज थिंग्स बिकॉज इफ यू प्रैक्टिस रेगुलर ओके सो बाय बाय चिल्ड्रंस तो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास टिल देन स्टे होम स्टे सेफ एंड प्लीज़ प्रैक्टिस रेगुलरली इफ यू चिल्ड्रन डू नॉट प्रैक्टिस रेगुलरली यू पीपल फॉरगॉट ऑल दोज थिंग्स आप जो हैं ये सारी चीज़ों को भूल जाएंगे फॉरगॉट कर जाएंगे सो इसलिए आप जो क्या करें प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस रेगुलरली सो कैन इट टेक प्लेस इन योर माइंड ओके बाय